14 दिसंबर 2023 को वायर्ड ने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें उन्होंने मार्क जकरबर्ग के क्वालो रांच प्रोजेक्ट के बारे में बताया, जिसके लिए मार्क जकरबर्ग $270 मिलियन खर्च कर रहे हैं। वायर्ड का कहना है कि मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग हवाई आइलैंड के सबसे ओल्डेस्ट आइलैंड कुआई में अपना एक लग्जूरियस घर बनवा रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने वहां पर 1500 एकड़ जमीन खरीदी है। लेकिन ये घर कोई आम घर नहीं होने वाला। दरअसल इस घर के नीचे एक 5000 स्क्वायर फुट का अंडरग्राउंड बंकर भी बन रहा है, और यही वजह है कि मार्क जकरबर्ग का ये प्रोजेक्ट लोगों के बीच चर्चा का कारण बना हुआ है। और सिर्फ मार्क जकरबर्ग ही नहीं बल्कि दुनिया भर के तमाम बिलियनर्स ऐसे अंडरग्राउंड बंकर्स बनवा रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ये बिलियनर्स ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? क्या वो आने वाले टाइम में किसी वॉर या फिर एपोकलिप्स की वजह से ऐसा कर रहे हैं? और अगर सच में ऐसा कुछ होने वाला है तो हमें इसका पता क्यों नहीं है? इन सभी सवालों का जवाब जानेंगे आज के इस एपिसोड में। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। मार्क जकरबर्ग अक्सर ही न्यूज में बने रहते हैं। इससे पहले साल 2019 में कैम्ब्रिज एनालिटिका नाम की एक कंपनी के यूजर्स का डेटा सेल करने की वजह से FTC ने फेसबुक पर $5 बिलियन की पेनल्टी लगाई थी, जो कि आज तक किसी भी कंपनी पर डेटा और प्राइवेसी के मामले में लगाई गई सबसे बड़ी पेनल्टी है। इसके अलावा भी फेसबुक पर फेक न्यूज और अडल्ट कंटेंट को प्रमोट करने के एलिगेशंस लग चुके हैं, जिनका जवाब देने के लिए मार्क जकरबर्ग को अमेरिकन सेनेट में कई चक्कर लगाने पड़े थे। और अब फिर से मार्क जकरबर्ग न्यूज में है। हालांकि इस बार उनके न्यूज में आने का रीजन है कुआई आइलैंड में 1400 एकड़ में बन रहा उनका घर, जो कंस्ट्रक्शन पूरा होने के बाद दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव प्राइवेट प्रॉपर्टीज में से एक होगा। लेकिन मार्क जकरबर्ग के लिए इसकी कीमत कुछ भी नहीं है, क्योंकि फेसबुक ने उन्हें अरबों रुपए की नेटवर्थ कमा कर दी है, जो दिखाता है कि ऑनलाइन वेबसाइट आपके आइडिया आपके बिजनेस को कितना बड़ा बना सकती है। लेकिन आज अगर आपको अपने लिए या फिर अपने बिजनेस के लिए कोई वेबसाइट बनवानी है तो उसमें 1000 से लेकर लाखों का खर्च और महीनों का समय लगता है। तो क्या हमारे पास सोल्यूशन है? वेल हाँ, ओडू पर आप अपनी वेबसाइट कुछ ही मिनट्स में सिर्फ 4 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके बना सकते हैं, वो भी बिना किसी कोडिंग नॉलेज के। जैसे कि देखो, मैं जब ओडू पर जाकर अगर अपनी वेबसाइट बनाता हूँ तो step 1 अपना बिजनेस टाइप चूज करना है, step 2 अपने कलर पैलेट या फिर अपने लोगो को अपलोड करना है, step 3 अपनी वेबसाइट के लिए पेजेस एंड फीचर सिलेक्ट करने होंगे, एंड 4th एंड फाइनल स्टेप में आपको बस थीम सिलेक्ट करनी है, और अब आपकी वेबसाइट बिल्कुल रेडी है, जहां पर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसमें इमेज एंड टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये पूरी तरह से बिल्कुल फ्री है। प्लस यहाँ आपको अपनी वेबसाइट के लिए 1 साल का फ्री डोमेन और होस्टिंग एंड सपोर्ट लाइफ टाइम फ्री मिलता है। एडिशनली, क्योंकि ओडू एक कंप्लीट बिजनेस सूट सॉफ्टवेयर है, इसलिए आपको यहाँ पर अपनी कंपनी को रन करने के लिए CRM, इन्वेंटरी, अकाउंटिंग जैसे एप्स भी देखने को मिल जाएंगे, जो आपके बिजनेस की ऑनलाइन विजिबिलिटी को बढ़ाने में और भी ज्यादा हेल्प करेगा, जो मुझे तो काफी हेल्पफुल लगा। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जिस पर क्लिक करके आप इनके प्लेटफॉर्म पर जाकर इजीली एंड क्विकली अपनी मनचाही वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन मार्क जकरबर्ग के इस प्रोजेक्ट पर सवाल उठने का रीजन सिर्फ इसका एक्सपेंसिव होना नहीं है, बल्कि कई और रीजंस भी है। देखो, वायर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक जहां मार्क जकरबर्ग का ये प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है, उसके आसपास 5 फुट ऊंची एक वॉल बनी हुई है, ताकि कोई भी आते जाते वक्त अंदर ये ना देख सके कि आखिर यहां पर क्या चल रहा है। और सिक्योरिटी भी बहुत टाइट रखी हुई है। एंट्रेंस गेट पर सिक्योरिटी गार्ड्स 24/7 लगे रहते हैं, और वो आसपास के बीचेस में पेट्रोलिंग भी करते रहते हैं। अब सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है ना कि वहां पर काम करने वाले कोवर्कर्स को किसी से भी किसी भी बारे में बात करने की इजाजत नहीं है कि वो क्या बना रहे हैं, यहां तक कि सभी से एक NDA यानी कि नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करवाया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग वो किसी को भी इस प्रॉपर्टी के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। और ऐसा भी नहीं है कि ये एग्रीमेंट्स बस कोई फॉर्मेलिटी हो, क्योंकि कई सारे वर्कर्स को प्राइवेसी ना मेंटेन करने की वजह से अपनी जॉब से निकाल भी दिया गया है। अब वायर्ड को अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला कि एक वर्कर को वहां से सिर्फ इसीलिए फायर्ड कर दिया गया क्योंकि उसने अपने प्रोजेक्ट की एक फोटो खींचकर उसको स्नैपचैट पर पोस्ट कर दिया था, और इसीलिए वहां काम करने वाले कई वर्कर्स अब फोटो खींचने का रिस्क भी नहीं लेना चाहते, सिर्फ इस डर से कि कहीं उनको भी फायर्ड ना कर दिया जाए। अब ऐसा वहां काम करने वाले एक वर्कर ने बताया। अब देखो, किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन में नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट या इतनी
ज्यादा सिक्योरिटी का होना एक बहुत ही अजीब बात है, और शायद इतनी स्ट्रिक्ट प्राइवेसी और हाई सिक्योरिटी की वजह से ही लोग इस प्रोजेक्ट के बारे में इतनी बात कर रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्या बना रहे हैं मार्क जकरबर्ग कि उन्होंने इतनी स्ट्रिक्ट प्राइवेसी बनाए रखी हुई है? वेल, द वायर्ड की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस पूरे प्रोजेक्ट में 1 दर्जन से ज्यादा बिल्डिंग्स होने वाली है और पूरे रांच में कुल 30 बेडरूम्स और 30 बाथरूम्स होंगे। इसके आसपास 2 मेंशंस होंगे जिनका सिर्फ फ्लोर एरिया एक फुटबॉल फील्ड के बराबर होगा, और इन मेंशंस में मल्टीपल लिफ्ट्स लगी होंगी, मल्टीपल ऑफिसेस और कॉन्फ्रेंस रूम्स होंगे, और एक इंडस्ट्रियल साइज्ड किचन होगा। और देखो, इन मेंशंस के दूसरी तरफ ना एक और बिल्डिंग होगी जिसमें एक फुल साइज्ड जिम, स्विमिंग पूल्स, टेनिस कोर्ट और हॉट टब वगैरह होगा, और इसके अलावा कई गेस्ट हाउसेस और ऑपरेशंस बिल्डिंग्स भी बनाई जाएंगी। दोनों मेंशंस को एक अंडरग्राउंड बंकर से आपस में कनेक्ट किया जाएगा। इस बंकर का पूरा एरिया 5,000 स्क्वायर फीट का होगा और जिसमें एक मैकेनिकल रूम, लिविंग रूम और बाकी नेसेसरी फैसिलिटीज होंगी। इस प्रोजेक्ट में कैमरास का भी बहुत ज्यादा यूज किया जाएगा और लगभग हर जगह कैमरास लगाए गए हैं। सिर्फ एक ऑपरेशन बिल्डिंग में ही 20 कैमरास लगाए गए हैं। इसके अलावा बहुत से बिल्डिंग्स में साउंड प्रूफ डोर्स यूज करने का प्लान किया गया है। अंडरग्राउंड बंकर के डोर्स मेटल के होने वाले हैं और उनमें कंक्रीट भरा जाना है। अब इस तरह के डोर्स का यूज ना ज्यादातर बॉम्ब शेल्टर्स बनाने में किया जाता है। अब इस पूरे सिस्टम को इस तरह से बनाया गया है कि वो सेल्फ सफिशियंट हो और किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में जहां सर्वाइव किया जा सके। पानी के लिए 55 फीट का एक वाटर टैंक भी लगाया गया है और 1400 एकड़ के एरिया में ही एग्रीकल्चर के जरिए फूड प्रोड्यूस किया जाएगा। तो अब ये सब सुनकर ना किसी को भी लग सकता है कि शायद आने वाले कुछ सालों में कोई एपोकलिप्स होने वाला हो जिसके बारे में मार्क जकरबर्ग को पता हो और इसीलिए वो ये अंडरग्राउंड बंकर तैयार कर रहा है। बट देखो, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है, क्योंकि अगर एपोकलिप्स या वॉर ही एक रीजन होता तो जकरबर्ग बाकी सब बिल्डिंग्स, जिम, ऑफिस, स्विमिंग पूल्स ये सब क्यों बनवाते? सिर्फ अंडरग्राउंड बंकर ही तो बनवाना चाहिए था, या फिर बंकर के अंदर ये सब चीजें बनवानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब साफ है कि जकरबर्ग किसी एपोकलिप्स की वजह से ये बंकर नहीं बनवा रहे। द कन्वर्सेशन का भी कहना है कि मार्क जकरबर्ग बंकर बनवा रहे हैं क्योंकि वो ऐसा कर सकते हैं, उनके पास पैसा है। मार्क जकरबर्ग की करंट नेटवर्थ $174.1 बिलियन है। अब अगर वो उसमें से $270 मिलियन किसी लग्जरी हाउस को बनाने में खर्च भी कर देंगे तो इससे उनकी नेटवर्थ में क्या ही असर पड़ेगा? कुछ भी नहीं, जबकि हमारे और आप जैसे लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन बिलियनर्स के लिए ये कोई नई बात नहीं है, कई बिलियनर्स इससे पहले भी ये कर चुके हैं। साल 2002 से अब तक ओपरा विनफ्रे 1000 एकड़ के करीब लैंड माउई आइलैंड में खरीद चुकी है। इसी तरह ओरेकल के फाउंडर लैरी एलिसन ने साल 2012 में 98% यानी कि पूरा का पूरा लनाई आइलैंड ही खरीद लिया था, जिसके लिए उन्होंने $300 मिलियन खर्च किए थे। मेला ल्यूका कंपनी के ओनर फ्रैंक वेंडरशूट ने भी कुआई आइलैंड पर 2000 एकड़ जमीन खरीदी है। पेपाल के कोफाउंडर पीटर थील ने भी न्यूजीलैंड में 477 एकड़ जमीन खरीदी थी जहां वो अपना एक लग्जरी होम बनाना चाहते थे। हालांकि वहां की लोकल अथॉरिटीज ने उन्हें परमिशन नहीं दी क्योंकि उन्हें डर था कि इससे एनवायरमेंट को नुकसान होगा। बिल गेट्स के सिर्फ यूएस में ही 8 घर है और उन सभी घरों में अंडरग्राउंड सिक्योरिटी है। तो देखो, इस सब डेटा से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिर्फ मार्क जकरबर्ग ही किसी आइलैंड पर एक सेफ रेसिडेंस बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि उनकी तरह और भी बिलियनर्स ऐसा कर चुके हैं और कर रहे हैं। अब इसको ना जरा ऐसे समझो कि देखो, बहुत से लोग अपने घरों में फर्स्ट एड किट रखते हैं, तो वो क्या ऐसा इसीलिए करते हैं कि उन्हें ये पता होता है कि वो कुछ ही दिनों में इंजर्ड या बीमार होने वाला है? वेल, बिल्कुल नहीं, वो तो बस एक सेफ्टी मेजर के तौर पर ऐसा करते हैं। ठीक इसी तरह मार्क जकरबर्ग बंकर इसीलिए ही बनवा रहे हैं, अगर कभी कोई इमरजेंसी होती है तो ये उनके काम आएगा। अब उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें उनके 100 से $200 मिलियन लग रहे हो, 174 बिलियन में से अगर 200-400 मिलियन चला भी जाए ना तो घंटा फर्क पड़ता है। तो ये बिलियनर्स का अंडरग्राउंड बंकर बनवाना कोई बड़ी बात नहीं है और इसके पीछे का रीजन कोई एपोकलिप्स नहीं है, ये बस बिलियनर्स का एक नया शौक है, पर उनके शौक की कीमत कुआई लोकल लोगों को चुकानी पड़ रही है। देखो, मार्क जकरबर्ग के इस प्रोजेक्ट के चलते कुआई आइलैंड पर रहने वाले लोकल लोगों को काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। वायर्ड ने मार्क जकरबर्ग के कुआलुआ रांच के पास में ही रहने वाली एक लेडी से बात की जिनका नाम होप कालाई है और उनकी वहाँ पर 5 एकड़ जमीन है। उन्होंने बताया कि जब से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है ना, तब से यहाँ एक 6 फीट ऊंचा वॉल बना दी गई है जिस वजह से हम लोग ओशियन के व्यू को नहीं देख पाते और कंस्ट्रक्शन साइट के आसपास दिन भर कार्स और ट्रक्स चलते रहते हैं और बहुत ज्यादा नॉइज होता रहता है। अब वहीं पर रहने वाले एक और आदमी ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के चलते पूरे एरिया का कैरेक्टर ही चेंज हो गया है। पहले यहाँ कोई गाड़ियां चलती ही नहीं थी, लेकिन अब बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहता है। इसके अलावा भी मार्क जकरबर्ग ने वहां के लोकल लोगों को काफी परेशान करके
रखा हुआ है। साल 2016 में उन्होंने अपनी शेल कंपनी से वहां के लोकल लैंड ओनर्स पर लॉ सूट फाइल कर दिया था ताकि उन लोगों पर अपनी जमीन बेचने का प्रेशर डाला जा सके। इस लॉ सूट के चलते उन लैंड ओनर्स को दो ऑप्शन दिए गए थे कि या तो वो अपनी जमीन मार्क जकरबर्ग को बेच दे या फिर उसका ऑक्शन होगा जिसमें उनको बिड करना पड़ेगा और जो हाईएस्ट बिड करेगा उसको जमीन मिलेगी। हालांकि जब ये खबर बाहर आई और लोगों ने मार्क जकरबर्ग को काफी क्रिटिसाइज किया तो उन्होंने अपना लॉ सूट वापस ले लिया। उसके बाद भी लगातार मार्क जकरबर्ग के इस प्रोजेक्ट को बंद करने के लिए इंटरनेट पर एक पिटीशन भी डाली गई थी जिस पर 1 मिलियन से ज्यादा लोग साइन कर चुके थे। हालांकि मार्क जकरबर्ग और उनकी वाइफ ने अब तक $20 मिलियन कुवाई की बहुत सी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में चैरिटी के तौर पर दिए हैं ताकि लोकल कम्युनिटी के लोगों को खुश किया जा सके। और मार्क जकरबर्ग के इस प्रोजेक्ट को पूरा करने पर इतने ज्यादा एफर्ट डालने की वजह से ही कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनके दिमाग में कुछ तो चल रहा है। हालांकि ज्यादातर एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि ये बस अमीरों के शौक है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, जो कि काफी हद तक ठीक भी लगता है क्योंकि जब आपके पास हद से ज्यादा कोई चीज होती है ना तो आप उसको वेस्ट करने में ज्यादा नहीं सोचते। मार्क जकरबर्ग और बाकी बिलियनर्स के साथ भी ऐसा ही तो है, उनके पास इफरात में पैसा है तो वो इन सब चीजों में पैसे खर्च कर सकते हैं। अब आपका इस पर क्या मानना है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। और क्या आप भी अपने घर में एक बंकर बनवाओगे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। अगर आप नए चैनल पे तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपको ये वाली वीडियो भी डेफिनेटली पसंद आएगी जिसमें हमने बात किया है पेरिस में लगाए गए ऐसे क्लॉक सिस्टम के बारे में जो कि एयर प्रेशर से चलता था और लोग अपने घरों में घड़ी को देखने के लिए समय के लिए रेंट पे किया करते थे। जी हां दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये कहानी, यहां पर टैप करके इसे जरूर देखना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।